हाय, मैं रुपेश कुमार सिंह अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं वानिक के स्मार्ट क्लासेस में। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशन। देखिए, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, या फिर आपका एयरफोर्स हो गया, बहुत सारे जो हमारे जो तीनों फोर्स हैं आपका आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स ने बहुत बार बहुत सारा एक ऑपरेशन चलाया है देश के अंदर और देश के बाहर। तो मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, आज का जो सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका ऑपरेशन पराक्रम। देखिए, ये जो ऑपरेशन था ये लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, दिसंबर 13 2001 को। कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था दिसंबर 13 2001 को, आफ्टर द अटैक इन इंडियन पार्लियामेंट। आपको पता होगा इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, इंडियन आर्मी ने, आप लोग बोल सकते हो, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चलाया था, और उस ऑपरेशन का नाम है क्या आपका, पराक्रम। क्या था वो ऑपरेशन? तो यहां पे याद रखिएगा, हमारे इंडियन का आर्मी का जितने भी फोर्सेस हैं सारे फोर्सेस आपका इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहुंच चुकी थी, और वहां पे क्या कर रही थी, आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेस की थी। उस ऑपरेशन का नाम है, याद रखिएगा, आपका ऑपरेशन पराक्रम। और ये बोल सकते हो आज तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट किया है कोई आपका एशियन कंट्री। क्लियर हो गया आपका? तो ये था आपका ऑपरेशन पराक्रम। नेक्स्ट जो दूसरा ऑपरेशन आज हम लोग पढ़ेंगे वो है, याद रखिएगा, आपका ऑपरेशन कैक्टस। जी हाँ, ऑपरेशन कैक्टस। तो ये लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, नवंबर 1988 में। कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था नवंबर 1988 में, ऑन द कॉल ऑफ मालदीव प्रेसिडेंट मे गयुम। उनके द्वारा कुछ बोल सकते हो, कुछ अपना संगठन थे जो उनको क्या गिरफ्त करके, उनको नजरबंद करके रख दिए थे मालदीव के प्रेसिडेंट को। तो उनको बचाने के लिए उनका आग्रह में ये ऑपरेशन चलाया गया था बाय द इंडियन आर्मी, जिसका नाम था, आपको याद रखिएगा, ऑपरेशन कैक्टस। क्लियर हो गया? और यहां पे याद रखिएगा, आपका इंडिया का तीनों फोर्सेस यानी कि आपका आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर क्या किया था, आपका काम किया था। नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे वो है, याद रखिएगा, आपका ऑपरेशन ट्राइडेंट। जी हाँ, ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या है ये ऑपरेशन? तो ये लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, आपका नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये ऑपरेशन? लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडो पाकिस्तान वॉर 1971। याद रखिएगा, 1971 में आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार हुआ था, तो उस बीच में ये जो ऑपरेशन इसको चलाया गया था, इसका नाम है आपका ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इसी का विक्ट्री को, ये जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था ये एक्चुअली क्या हुआ था, नेवी ने दिसंबर 4 को क्या हुआ था, इसमें सक्सेस पाया था, और इसीलिए हर साल दिसंबर 4 को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा, आपका नेवी डे, ड्यू टू द सक्सेसफुल ऑफ ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्लियर हो गया आपका? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो हो गया आपका ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, देखिए, ये लॉन्च किया गया था 1961 में टू लिबरेट गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज कंट्रोल। आपको पता होगा गोवा में पोर्तुगीज लोग का शासन था, तो उनसे गोवा को लिबरेट करने के लिए, फ्री करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था 1961 में, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन विजय। चलिए, नेक्स्ट जो है आपका, अगेन और एक ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ये हुआ था आपका 1999 ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो ऑपरेशन विजय था, एक था 1961 में टू लिबरेट गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज रूलर, और एक था आपका 1999 में ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में जो पाकिस्तानी फोर्स अंदर आ चुके थे उनको खदेड़ने के लिए यह ऑपरेशन को चलाया गया था, जिसका नाम था, याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका ऑपरेशन वज्र शक्ति। जी हाँ, ऑपरेशन वज्र शक्ति।
ये लॉन्च किया गया था सितंबर 2002 में, और जो गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, वहां पे क्या हुआ था, आपका बोल सकते हो जो आतंकवादी लोग थे उसको कब्जा करके रखे थे। गुजरात का गांधीनगर में एक टेम्पल है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, अक्षरधाम टेम्पल, ठीक है। तो उससे, उस आतंकवादियों से उसको फ्री कराने के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम तो याद रखिएगा आपका, ऑपरेशन वज्र शक्ति। क्लियर हो गया आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तो ये लॉन्च किया गया था याद रखिएगा बाय डीजीपी केपीएस गिल, डीजीपी केपीएस गिल के द्वारा लॉन्च किया गया था 1988 में, टू रीड द गोल्डन टेम्पल फ्रॉम मिलिटेंट्स। जो गोल्डन टेम्पल है पंजाब का, वहां पे क्या हुआ, आतंकवादी लोग उसको कब्जा करके रखे थे, तो उनको वहां से हटाने के लिए लॉन्च किया गया था 1988 में बाय डीजीपी केपीएस गिल, जिसका नाम है आपका ऑपरेशन ब्लैक थंडर। नेक्स्ट हो गया आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, याद रखिएगा इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी इन 1984 अगेंस्ट द सिख मिलिटेंट्स। कुछ खालिस्तानी संगठन थे जिन्होंने क्या किया था, आपका गोल्डन टेम्पल पे कब्जा कर लिया था, तो उनको वहां से खदेड़ने के लिए लॉन्च किया गया था आपका, याद रखिएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है, याद रखिएगा आपका ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। जी हाँ, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, आपने नाम भी सुना होगा। जब 26 नवंबर 2008 में आपका मुंबई के ऊपर जब आतंकवादी हमला हुआ था, तो वहां पे आतंकवादियों को मारने के लिए और आतंकवादियों को कब्जा करने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था बाय द एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, उसको बोलते हैं हम लोग आपका ऑपरेशन ब्लैक थंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया आपका ऑपरेशन ग्रीन हंट। जी हाँ, ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो ये क्या है, आपको पता होगा हमारे इंडिया में बहुत सारे नक्सलाइज्ड एरिया हैं, तो उस नक्सलाइज्ड एरिया को अगर बोल सकते हो, वहां पे जो माओवादी संगठन है, माओवादी संगठनों को पकड़ने के लिए और उनको मार गिराने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था बाय द पारा मिलिट्री फोर्सेस, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द ऑपरेशन ग्रीन हंट। याद रखिएगा, ऑपरेशन ग्रीन हंट को लॉन्च किया था पारा मिलिट्री फोर्सेस, यानी कि आपके सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, ये जो आते हैं, इन्होंने लॉन्च किया था आपका ऑपरेशन ग्रीन हंट। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर। तो याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया गया था बाय इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था आपका ऑपरेशन एयरफोर्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कारगिल वॉर। कारगिल वॉर के टाइम पीरियड में 1999 में इसको लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन एयरफोर्स टू गिव सपोर्ट टू द आर्मी वर्किंग ऑन द कारगिल सेक्टर। कारगिल सेक्टर में जो आर्मी लड़ रही थी उनको सपोर्ट करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था, याद रखिएगा आपका, ऑपरेशन सफेद सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो यहां तक आपको बताया गया क्या आपका, द सम इंपोर्टेंट ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इनसाइड द इंडिया। आने वाले क्लास में अगेन हम कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वेयर मास्क और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।